धनबाद के बरवाड्डा थाना के रोहित कुमार ठाकुर पर गोली चलाने के आरोप में पुलिस ने एक अपराधी को धर दबोचा, भेजा गया जेल। 13 अप्रैल को बरवाड्डा थाना क्षेत्र के लोहार बरवा स्थित मां विंध्यवासिनी मोबाइल दुकान में रोहित कुमार ठाकुर उर्फ पिंटू के ऊपर गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके आरोप में पुलिस ने दुर्गा साव नाम के अपराधी को बोकारो के वास्तु विहार फेज 2 से धर दबोचा। पकड़े गए अपराधी के पास से पुलिस ने एक पल्सर बाइक और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किया। धनबाद DSP अमर कुमार पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दुर्गा साव का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। रांची में भी वह एक हत्या के मामले में आरोपी है और बरवाड्डा की घटना में भी इसके और 3 साथियों की संलिप्तता थी। पुलिस बाकी बचे अपराधियों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। 13 अप्रैल 2023 को लोहार बरवाड्डा थाना अंतर्गत चंद्रावती क्लिनिक के पास एक मोबाइल दुकान में गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें कि रोहित कुमार ठाकुर को अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी किया गया था। उसके पश्चात जख्मी व्यक्ति के भाई के बयान के आधार पर कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में 3 अपराधकर्मियों जो कि नामजद थे उनको चिन्हित किया गया, उनकी संलिप्तता भी पाई गई है। इसी क्रम में आज वास्तु विहार फेज 2 चास थाना अंतर्गत जिला बोकारो से एक अभियुक्त दुर्गा प्रसाद साव, जो कि दहियारी थाना पारस बनी जिला बोकारो का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। इस व्यक्ति के द्वारा उक्त घटना में पूछताछ के क्रम में संलिप्तता स्वीकार की गई है और घटना के क्रम में यह अपराधकर्मी बाइक चला रहा था, जो कि इसका पल्सर बाइक था। इसके संबंध में एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। 5 जून की एक जो घटना रांची बरियातू थाना अंतर्गत हत्या की घटना घटित हुई है, जिसमें कि तनवीर अहमद उर्फ बिट्टू खान की हत्या हुई थी। उस घटना में भी दुर्गा साव, जो कि आज गिरफ्तार किया गया है, उसकी भी प्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता थी और इसके अन्य साथी जो बरवाड़ा थाना अंतर्गत कांड में थे वो वहाँ भी शामिल थे। इस कांड में जो भी नामजद शेष अभियुक्त थे उनके विरुद्ध छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और दुर्गा साव के द्वारा जो बाइक बरवाड्डा की घटना में प्रयुक्त की गई थी एवं जो हथियार भी प्रयुक्त किए गए थे, उनकी बरामदगी रांची पुलिस के द्वारा की गई है और हम लोगों के द्वारा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। दुर्गा प्रसाद साव के पास से 2 स्मार्टफोन बरामद हुआ है, जो कि घटना के दौरान इसके पास था और इसके द्वारा प्रयोग किया गया था।